जो हॉस्पिटल की सुविधाएं थी या बड़े हॉस्पिटल बनाए गए थे वो सब सीधा दीक्षित जी की सरकार में ही बने थे। उसके बाद में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ नहीं। अगर देखा जाए तो 10 वर्ष का समय काल बहुत होता है। अगर शीला दीक्षित जी ने सड़कों का जाल बिछाया, फ्लाईओवर का जाल बिछाया, तो तमाम कॉलोनियों का सेटल किया, रास्ते निकाले, तो कम से कम इन्हें कुछ बुनियादी चीज़ों को बढ़ाना चाहिए था। जैसे स्कूल को बनाने की बात कही थी, स्कूल नहीं बना पाए, यूनिवर्सिटीज नहीं बना पाए, हॉस्पिटल नहीं बढ़ा पाए, इक्विपमेंट्स नहीं बढ़ा पाए, लेकिन जो वायदे किए थे वो कर नहीं पाए। और जो मोहल्ला क्लिनिक की बात है वो भी तमाम स्थानों पर पुराने हॉस्पिटल जो थे उसको कन्वर्ट कर दिया है मोहल्ला क्लिनिक में। तो बात तो सच है कि 3 करोड़ आबादी में 6 CT स्कैन तो बहुत कम है, इसको तो ज़्यादा होना चाहिए। हालांकि दिल्ली में तमाम और हॉस्पिटल है, एम्स है, सफदरजंग है, आरमल है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं जो पहले कांग्रेस के समय के ही बने हैं। वो बीजेपी सरकार ने भी कुछ नहीं किया 10 सालों से, तो उसके वजह से काम लोगों का दिल्ली चल जाता है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है।